हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी वही पुराने आलू के सैंडविच खा के बोर हो गए हैं? खत्म। तो चलिए डालते हैं इसमें bye. थोड़ा सा टेस्ट। गुड बाय। एक पैन में हमने लिया है तेल और इसमें डाला है जिंजर और गार्लिक। इसके बाद इसमें ग्रीन चिली डाली है और इनको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमने ये सोया के चंक्स जो हैं इसको अच्छे से उबाल के और इनको क्रम्बल कर लिया है, मतलब मैश कर लिया है अच्छे से। और फिर इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। इसमें थोड़े से आलू मैश किए हैं ताकि अच्छे से बाइंड हो सके। और बस इनको जो है पैन में डाल के अच्छे से भून लेना है। और धनिया पत्ती की जगह आज हमने इस्तेमाल किया है सोया पत्ती और थोड़ी सी इसमें डाली है ऑरिगेनो, क्योंकि चिली फ्लेक्स इस समय हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला और इसको अच्छे से मिलाना है। आप चाहे तो इसकी बाइंडिंग जो है हाथ से कर सकते हैं ताकि अच्छे से मिल जाएं। और इनको दबा दबा के खूब अच्छे से मिलाना है ताकि आलू भी बाइंड हो जाए हमारी। और इसमें डाला है हम लोगों ने थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला चटपटा करने के लिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ढक्कन लगा के थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग आए थे हमारे गांव तो ये जो है ब्रेड भी हम लोगों को सही नहीं मिली। टूटी टूटी ब्रेड, पता नहीं कौन से जन सन की रखी हुई थी जो हमने खरीदी है। और हमने पीसा है सिलबट्टे पे चटनी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और इन सब की चटनी पीसी है, लहसुन की चटनी। आपको तो पता ही है चटनी के बारे में, बहुत सारी रेसिपी पे मैंने बताया है। और फिर उसके बाद हमने इस ब्रेड पे स्प्रेड की है चटनी और उस पर डाले हमारे सोया चंक्स वाले मसाले जो हमने फ्राई किए थे अच्छे से। और फिर क्या, तवा लिया है और तवे पे ही हमने जो है सरसों का तेल डाला है, क्योंकि उस समय जो है ब्रेड तो मिला नहीं सही से, तो क्या कहते हैं बटर कैसे मिलेगा तो हम लोगों ने सरसों के तेल लगा के इसका काम चलाया है। बस इस पर लगाया है सरसों का तेल और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। और सेकने बैठी थी ये मेरी छछुंदर सी बेटी उसने कर दिया है बिल्कुल जला के सत्यानाश। एक ब्रेड जल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही हेल्दी बना था ये हमारा जो सैंडविच है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को टिफ़िन में कुछ देना चाहते हैं तो इस तरीके से हेल्दी सैंडविच बना के उनको टिफ़िन में रोज़ रोज़ आलू की जगह कुछ नया ट्राई करके दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।